जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जितने भी हाई स्कूल और इंटर ग्रेजुएशन बीए डिप्लोमा आरटीआई बीए बीएससी जो भी हैं स्कॉलरशिप में फॉर्म भरे हैं, यदि इनके स्टेटस में करंट स्टेटस में ये शो हो रहा है तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2022 में इस प्रकार से स्टेटस शो हो रहा था, लेकिन जिनका भी स्टेटस में इस प्रकार से शो हो रहा था उनका पैसा नहीं आया था। क्यों नहीं आया था तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो लोग इसी पे रिन्यूअल कर दिए हैं 2023 में, क्या उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा स्टेटस में, तो मैं सब कुछ इस विषय पे बात करने वाला, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना आपको। मैं आपको डिप्लोमा का स्टेटस दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों पिछले साल का स्कॉलरशिप नहीं आया था, जो लोग इस पे रिन्यूअल कर दिए थे क्या उनका इस साल पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो भाई ये देखिए 2023 का स्टेटस है, तो इसमें क्या आ रहा है अभी, ये देखिए पेंडिंग 8 डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी ये दे रहा है डिस्ट्रिक्ट से जो आपका वेरीफाई होता है, अभी पेंडिंग में दिखा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए इस बार आपका पैसा जो है आएगा, क्योंकि सरकार के पास बजट है, जिनका भी उस तरह से स्टेटस शो हो रहा था। तो दोस्तों आपको वेट करना है कुछ दिन, यदि आपका स्टेटस में सही हो जाता है तो आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि उस बार पैसा सरकार के खाते में नहीं था, इसके वजह से जो आपका पैसा रुक गया था नहीं आया था, तो इस बार अभी स्टेटस पेंडिंग में है। तो फिलहाल जैसे ही ये सही होता है आपका पैसा धीरे धीरे आ जाएगा। तो मेरा यही कहना है, जिनका भी स्टेटस में उस प्रकार से शो हो रहा था 2021 और 22 में, और जिन्होंने उसी पे रिन्यूअल कर दिया था, उनका इस बार पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो संभावना है आने का, फिलहाल अभी तो पेंडिंग में है, आपको वेट करना है, क्योंकि करेक्शन डेट भी आ चुका है और वो हो भी रहा है। करेक्शन डेट 19 से 27 तक है। तो फिलहाल दोस्तों बहुत ज़रूरी था, यदि आप में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया है, चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार जी।